हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ गाइस कि कैसे आप लोग लास्ट 2 डेज में एसएसटी की पढ़ाई करके जीरो टू हीरो बन सकते हैं। यदि आप लोगों ने एसएसटी में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इधर पढ़ाई कर चुके हैं बस आपको रिविज़न करना है या फिर आप लोगों को एक बार फिर से सारे चैप्टर्स को पढ़ना है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये चल जाएगा कि कैसे आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं एसएसटी एग्जामिनेशन में, किन किन चीजों का आप लोगों को पढ़ना होगा, कैसे आप लोग फोकस बना सकते हैं एसएसटी में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एसएसटी पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और उन्हें एसएसटी पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, तो अब नहीं आएगा। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप लोग इजिली एसएसटी को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यदि हम लोग डीएवी क्लास 8 एसएसटी के सिलेबस की बात करें तो आप लोगों को ज्योग्राफी में दिए गए हैं 5 चैप्टर्स। आप सोच रहे होंगे सर बुक में तो 7 चैप्टर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके 2 चैप्टर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है, 2 चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड 2 चैप्टर जो है वो सिविक्स से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं? तो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6, उसके बाद चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, नेक्स्ट चैप्टर 21 एंड 22। इन 6 चैप्टर्स को आप लोगों को 2022 सेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा इन सारे चैप्टर्स को। ओके, इसके बाद आगे जो भी चैप्टर बच गए ना, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको उसी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ओके, बट इन 6 चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए था। एंड आप लोग अब आगे देखिए, अब देखिए गाइस, अब आपके पास क्या ज्योग्राफी में 5 चैप्टर, हिस्ट्री में 6 चैप्टर एंड सिविक्स में 5 चैप्टर। यदि आप लोगों क्या चाहते हैं, यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं हर एक का सेपरेट बता दूं आप लोगों को कि हाँ सर हिस्ट्री के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिविक्स के लिए ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख करके अभी क्या भी बताइए ताकि मुझे पता चल सके एंड मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं हर एक फील्ड के स्ट्रेटजी के लिए, जैसे कि हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी। आज मैं कंबाइंड फॉर्म में बात करने वाला हूं। तो ज्योग्राफी में आपके 5 चैप्टर्स है, हिस्ट्री में आपके 6 चैप्टर्स है एंड जो नेक्स्ट बचा आप लोगों का सिविक्स, इसमें आप लोगों के 5 चैप्टर्स है। ओके, तो आप लोगों के यहाँ पे टोटल चैप्टर्स है 16, 6 चैप्टर्स रिलेटेड है, इसलिए आप लोगों को बुक में 22 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग यदि ज्योग्राफी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, के हर एक चैप्टर को, आपको कोई भी चैप्टर हो, कितना लंबा भी वो चैप्टर क्यों ना हो, आप लोगों को उस चैप्टर को पूरी तरह से रीड करना है। ओके, सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, अब आपको कैसे रीड करना है ये बताता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि बहुत ही तेजी के साथ रीड करते हैं, एसएसटी तेजी के साथ रीड करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एसएसटी में आप लोगों को बेसिक थीम समझना पड़ता है कि चैप्टर में बेसिकली किस बात में किस बारे में बात की गई है। ओके, तो आपको जब उस थीम को पकड़ना है तो आप लोगों को बिल्कुल स्लोली अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है एकदम आप लोग फास्टली पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को आराम से पढ़ना है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो आप लोग भी सुन पाए कि मैंने क्या पढ़ा, ऐसा आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप लोग जो पढ़े वो आप लोगों को अच्छा अच्छा समझ में धीरे धीरे आता भी जाए। ओके, तो आप लोग यदि ऐसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यदि आप एक्सप्रेस में बैठ के पढ़ने लगेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे चैप्टर कहना क्या चाहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस करना है, चैप्टर में बेसिकली किस बारे में बात की गई है उसके थीम को समझना है, उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को समझना होगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले बुक का रीडिंग कीजिएगा, जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर को आपने स्टार्ट किया है उसमें आप लोग बुक को रीडिंग कीजिएगा। ओके, आप लोग सबसे पहले बुक को रीडिंग कीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो भी टॉपिक में आपको डाउट रह जाए। ओके, मान लीजिए आपने नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ा, अब नेशनलिस्ट मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको नहीं समझ में आया, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट आपको नहीं समझ में आया या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आपको नहीं समझ में आया, तो आपको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है हर एक चैप्टर का, तो आप लोग उसे जाकर के देख लीजिएगा। ओके, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करें, जो भी चीज़ें आपको बुक में दी गई हैं उसे अच्छे से आप लोग पढ़ें, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये कोई नहीं जानता है एंड एसएसटी में ज़्यादातर इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड आप लोगों ने इस चीज़ को साइंस में भी देखा होगा कि साइंस में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इंटेक्स्ट से आए हुए थे, तो आप लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि चैप्टर को रीडिंग करते समय
में लाइन बाय लाइन पढ़ना है, डू यू नो, ये सब भी आपको मिस नहीं करना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, आप लोगों को धीरे धीरे स्लोली चैप्टर को रीड करना है। ओके, एंड आपको ऐसा रीड करना है कि आप लोग समझते भी जाएं, एंड जिस टॉपिक में आपको डाउट आ जाए उस टॉपिक का आप लोग जाकर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा। मैंने हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें गाइस, जब आप पहली बार चैप्टर को रीड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को जाना है अपने एक्सरसाइज में, आपके बुक में जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि 5 ब्रीफ दिए जाते हैं, 5 लॉन्ग दिए जाते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और 2 फॉल्स, स्टेट टेक्निकल टर्म, ये सब दिया जाता है। ओके, तो मान लीजिए आप लोगों के बुक में टोटल 25 क्वेश्चन सारे मिला करके दिए जाते हैं, 10 क्वेश्चन आंसर एंड बाकी एमसीक्यूज, 2 फॉल्स, ये सब। ओके, तो 25 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आपको क्या करना है, उन 25 में से जो 15 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 फॉल्स है, वो सब है, वो आप लोगों को पूरा करना है। ओके, एंड हो सके तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस मैंने, जो भी क्वेश्चंस आपको अपने बुक में दिए गए हैं उसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ओके, 25 के 25 क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं उसे आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको 2-3 पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, पहले मैंने ज्योग्राफी, दूसरे में हिस्ट्री, तीसरे में सीरीज को कवर किया है। ओके, तो तीनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि मैंने एक्सरसाइज में वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करवाए हैं जो कि या तो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं पीछे के एग्जामिनेशन में, या फिर आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं एंड उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, तो आप लोग उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी तीनों के चैप्टर्स का लिंक दिया गया है। ओके, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहां पर वैसे ही टिक करवाए हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब देखिए गाइस, आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं उसे आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ कीजिएगा क्योंकि वो या तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं या तो आ सकते हैं, आपको पहले बताया बात। ओके, तो आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस के साथ करना है। तो आप लोगों ने क्या-क्या कर लिया, पहले रीडिंग कर लिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे आपके एक्सरसाइज में वो आप लोगों ने लर्न कर लिया या फिर उन सारे क्वेश्चंस को समझ गए कि हां यहां से क्वेश्चन फ्रेम होकर आया है। ओके, क्वेश्चन के शब्द बदल दिए जाते हैं, आंसर वही जाता है, एसएसटी में ऐसा ही होता है, ठीक है। कभी-कभी इंटेक्स से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं बट ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, आप लोगों को एक्सरसाइज से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो बैलेंस होकर के एक चलता है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने एक बार रीडिंग कर लिया, जो भी क्वेश्चंस उसके पीछे दिए गए थे आपने उसे लर्न कर लिया, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक बार फास्टली रीड करना है, बट फिर उतना एक्सप्रेस में आपको रीड नहीं करना है, आप लोगों को फास्टली रीड करना है। किससे फास्टली रीड करना है, जो आपने पहले टाइम रीड किया था उससे हल्का फास्ट रीड करना है। ओके, तो मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर को रीड किया आधा घंटा में, ओके, कोई भी चैप्टर हो, मैं नाम नहीं लूंगा कि बड़ा भी होगा कि छोटा भी होगा, तो आप लोगों को इस टाइम क्या करना है, इस टाइम आप लोगों को 20 मिनट या फिर 15 मिनट उसके बीच में लेना है। ओके, इसमें आप लोगों को 30 मिनट नहीं देना उस चैप्टर को रीड करने में क्योंकि आप रीडिंग कर चुके हैं, चैप्टर को समझ चुके हैं, फिर हमने क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिया, उसके बाद फिर आप जब रीड करेंगे तो वो रिवीजन वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, वो रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, उसके बाद आप लोगों ने उसको फिर से एडिट कर दिया तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का ऐसे करने से। ओके, तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। यदि आप बाद में रीडिंग नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा, आप जब एग्जामिनेशन से पहले 5 घंटे जो होंगे उसमें आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसका भी स्ट्रैटेजी जल्दी आ जाएगा। ओके, अब देखिए गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, जबकि सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स आप लोग 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को करना है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड SP सैंपल पेपर। ओके, इन दोनों चीज़ों को आप लोग कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को DAV क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पर जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द चैप्टर्स। ओके, एंड आप लोगों को साइंस के, SST के कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पर जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे। अब गाइस देखिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना है, उसके बाद आप लोगों को सैंपल पेपर भी करना है। ओके, जब तक आप इसे नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो इसे पता करने के लिए आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर करना जरूरी है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के हम लोग बात करें ना बेसिकली, तो हिस्ट्री के चैप्टर्स में थोड़ा ज्यादा डाउट हो जाता है और सिविक्स तो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाता है, बच्चों को सिविक्स नहीं समझ पाते हैं वो,
बट मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को देखा है तो आप लोगों को सिविक्स हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, आप लोगों को किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यदि आप मैप स्किल का एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में 3 लिख करके बताइएगा। ओके, यदि आप मैप स्किल का एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि हाँ कौन कौन से मैप्स आ सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग 3 लिख करके बताइएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अभी तक बता भी दिया होगा 3 लिख करके। ओके, अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सिविक्स पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है ना कि आप लोग बोर ना हो। यार बोर नहीं होने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को SST में बहुत बोरियत हो जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बोर फील करने लगते हैं वो पढ़ते पढ़ते, एंड कंटिन्यूसली जब SST पढ़ते रहेंगे ना तो दिक्कत आती है। इसलिए आपको क्या करना है, मान लीजिए अपने 2 घंटे लगातार SST पढ़े तो नेक्स्ट एग्जाम किस चीज़ का है, नेक्स्ट एग्जाम जिस भी चीज़ का आप लोगों का उसे आप लोग कम से कम 10 मिनट दे दीजिएगा, बस 10 मिनट, ऐसा नहीं आधा घंटा उसे लेकर बैठ गए। ओके, बस 10 मिनट आप लोग उसे दे दीजिएगा ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर के क्या हो, रिफ्रेश हो जाए। ओके, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए। जब माइंड रिफ्रेश हो जाएगा 10 मिनट बाद फिर SST में कूद जाइएगा, फिर SST को पढ़िएगा, चैप्टर को रीड कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन आंसर्स को, उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर को कर लीजिएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, एंड उसके लिए भी स्ट्रेटजी आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि सेपरेट स्ट्रेटजी आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा। ओके, तो आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करना है, पहले आपको चैप्टर को रीड करना है, फिर लर्न करना है क्वेश्चन आंसर्स को, उसके बाद फिर से आप लोगों को उन सारी चीज़ों को रीड करना, बट इस टाइम आप लोगों को थोड़ा फास्टली रीड करना है। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले बार जैसा स्लोली स्लोली रीड मत कीजिएगा, थोड़ा फास्टली रीड कीजिएगा क्योंकि जल्दी सिलेबस को कवर करना है, 2 ही दिन आपके पास है। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है कुछ स्टूडेंट्स और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे SST का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखिए पहले बार आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा, फिर आप लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लिए, उसके साथ साथ उसके बाद आप लोगों ने उसके फिर से एक बार रीडिंग मार ली, तो आप लोगों को क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा एंड पहली टाइम आप पढ़ के समझ भी जाएंगे। ओके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप इंटेक्स क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा स्टूडेंट्स। ओके, उसके लिए बताइएगा SP1 सेपरेट वीडियो एंड नेक्स्ट में लिखेगा SP1 इंटेक्स क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन क्वेश्चंस, कौन कौन स्टूडेंट्स इंटेक्स क्वेश्चंस चाहते हैं एंड कौन कौन स्टूडेंट्स सेपरेट वीडियो चाहते हैं स्ट्रैटेजी का, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट ला देता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पर जरूर से विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एंड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस का भी लिंक दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी उन वीडियोस को भी देख लेंगे। आप लोग सिलेबस को जाकर के देख लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेबस में बताया था कि कौन कौन से पार्ट ऐसे होंगे या फिर आपका क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ईजी आएंगे, कितने क्वेश्चन हार्ड आएंगे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, तो इन सभी टॉपिक्स में हम लोगों ने उस वाले वीडियो सिलेबस वाले वीडियो में बात किया था। ओके, तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग इस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रेटजी के साथ या फिर सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।